हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की पी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक का भेद बताइए कि यह किस प्रकार का वाक है तो आप सभी लोग जानते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक इच्छावाचक वाक्य है तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच है जल्दी बताइए कौन सा वाक्य जो है वो कृतवाच का है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ला और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है देखो जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था ला जो है ये अंतर इस व्यंजन में आता है जबकि सा जो है ये आपका उस व्यंजन में आता है ला का भी उच्चारण स्थान दंत से होता है और सा का भी उच्चारण स्थान दंत से ही होता है अगर आपको नहीं है तो आप वर्णमाला वाली मेरी वीडियो देख लेना तो आपको सारे भी डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे निम्नलिखित में से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आदिकवि फिरिंदा ब्लैंक्स ने संस्कृत में रामायण की रचना की जल्दी बताइए तो आदिकवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई थी बहुत अच्छे से बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र इकाई होती हैं इनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है या इनके उच्चारण करते समय हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है यह बिना किसी उच्चारण के बिना किसी की सहायता के हम इनको बोल सकते हैं तो देखो स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है जैसे छोटा आ बड़ा आ इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है जबकि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है जब आप का एक व्यंजन है इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या आएगा का प्लस में आ तो आ जो है वो एक स्वर है इसलिए व्यंजनों की उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता होती है जबकि स्वर जो है वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं पहला ही ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं डेली बेसिस पर हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कारक अगर आप कारक में आपको कुछ भी नहीं आता है और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप इस क्लास में अवश्य आएँ एक बार क्लास में आ जाओगे तो आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इतना मेरे आपसे गारंटी है लेकिन ये तब जब आप क्लास को आएंगे और पूरा देखेंगे क्लास 11 बजे सुबह स्टार्ट हो जाती है अगर आप के ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो सर आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हैं मैं आपकी बिल्कुल अवश्य सहायता करूंगा ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पी यूपी हुआ लेखपाल हुआ यूपीएसआई पी हुआ सभी से रिलेटेड स्पेशल कोर्स या आ, प्लस कोर्स जो है वो अनकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पी का कोर्स 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है जो कि टारगेटेड बैच है चार मंथ का 30 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर से आप एक बार क्या कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको विजिट कीजिएगा अपनी इच्छानुसार आपको उसको परचेज कर सकते हैं और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा सर तो आपको इंस्टेंट दस परसेंट का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इलेवन है, है कि पुलिस को देखकर फिल्म द ब्लैंक्स या उचित मुहावरा आपको रखना है तो पुलिस को देखकर ऑप्शन शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है जल्दी बताओ बहुत सिंपल है दिवाकर है प्रभाकर है भास्कर है सुधाकर नहीं है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा का का ब्लूम ब्लूम शब्द शब्द क्या हो जाएगा सर बिस, बिस जो है ये रामचरित्र मानस की रचना किस कवि ने की थी जल्दी बताओ बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो किसने की थी तुलसीदास जी ने तीसरा ऑप्शन करेक्ट माता पिता दोनों प्रसन्न थे प्रसन्न थे इस वाक्य में माता पिता के मध कौन सा चिन्ह लगा हुआ है अगर आपको चिन्ह भी नहीं पता है तो मैं आपको चिन्ह का टॉपिक में पढ़ा चुका इसलिए तो बोल रहा कि कि एक बार आओ कि वहां कितना क्वालिटी कॉन्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी चीज समझ में आएंगी आपको तो माता पिता के बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं सर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है हिंदी को भारत की राजभाषा का राजभाषा का मनाया गया जल्दी बताओ हिंदी को भारत की राजभाषा का मनाया गया तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर यह बनाया गया चौदह सितंबर 1949 इसलिए हम प्रत्येक वर्ष चौदह सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है जल्दी बताओ समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है रत्नाकर क्या रत्नाकर यह आपका समुद्र का पर्यायवाची है पहला ऑप्शन करेक्ट संधि के कितने भेद होते हैं जल्दी बताओ संधि भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेकिन अनकेडमी पर एक बार आओ बहुत मजा आएगा ये मेरा आपसे वादा है तो संधि के कितने वेद होते हैं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संधि के तीन वेद होते हैं सर कितने होते हैं तीन कौन कौन से अगर मैं आपसे बोल दूं तो आपका जवाब क्या होगा सर स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि प्रति ध्वनि में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं तो प्रति ध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा प्रति ध्वनि में उपसर्ग होगा आपका प्रति उपसर्ग पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर करेक्ट हो जाएगा कारज किस प्रकार का शब्द है कारज किस प्रकार का शब्द है तो कारज जो है ये एक अर्ध तत्सम शब्द है कैसा दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द दूसरा ऑप्शन करेक्ट लड़का कौन सी संज्ञा है जल्दी बताओ लड़का तो लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा लड़के का नाम दे देते मोहन राकेश राम मोहन कुछ भी दे देते तो आपका सही आंसर क्या हो जाता वो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता फिर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए सर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन अधिसूचना प्रकाशित होती है अधिसूचना प्रकाशित होती है तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है जल्दी बताओ कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर निरर्थक निरर्थक जो है ये सरल का विलोम शब्द नहीं है चौथा ऑप्शन करेक्ट रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए सर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं सर कितने तीन प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक तिहाई कम दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं जल्दी बताओ तो उसको हम क्या कहते हैं तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं सर जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं जैसे राम बाजार जाता है राम की जगह वह बाजार जाता है तो राम की जगह वह आ गया वो आपका संज्ञा होगा श्रंगार रस का स्थाई भाव जल्दी बताइए तो श्रृंगार रस, रस का स्थाई भाव होता है आपका रति पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट किस वाक्य में संबंध बोधक अव्य का प्रयोग हुआ है अब आप बोलोगे संबंध बोधक अव्य तो मैंने पढ़ा ही नहीं है नहीं पढ़े तो आओ अनअकैडमी पे अभी भी पढ़ा चुका हूं समझ रहे और आज ही मैंने विश्व आदि बोधक अभ्य को कंप्लीट भी कर दिया खत्म भी कर दिया समझ रहे आओगे तो पता चलेगा नहीं पता चलेगा नहीं तो ऐसे ही उंगते रहोगे आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक अभ्य है मैं काम के पीछे आया ये जो पीछे शब्द है यही आपका एक संबंध बोधक अभ्य है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए जल्दी बताओ क्या अभिवादन किया जाना चाहिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाषीरवाद पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है शुद्ध वाक बताइए आराम से वीडियो को पॉज करो और देखो कौन सा शुद्ध वाक है जल्दी बताइए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरब के दस यात्री भारत आए नेक्स्ट क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है जल्दी बताओ लिंग भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं अनकेडमी पर तो जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है पुरलिंग है संकल्प संकल्प शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है निम्नलिखित में से स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपको बताना है कौन सी स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है अशुद्धि नहीं है बहुत बढ़िया शुद्ध बताना है यानी कि तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जस्वी ये तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है सही है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण भी पढ़ा चुका हूं जल्दी बताओ तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर तीन प्रकार की. अर्थ की के अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं रूप के अनुसार अलग थे अब अर्थ के अनुसार पूछ लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव जल्दी बता दो अर्थ के अनुसार जो है वो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होंगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा चार चार प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार अगर हम रूप के अनुसार बात करें तीन कौन कौन से होते हैं देखो मूल क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण और संयुक्त क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर होते हैं आपके चार जो कि अभी हाल ही मैंने आपको बताए अर्थ के आधार पर आप अब, अब आप बोलोगे सर चार कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से स्थानवाचक कालवाचक परिमाणवाचक रीतिवाचक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अंश और अंश शब्द का सही अर्थ युक्त बताओ जल्दी बताइए देखो अंश माने आप सभी लोग जानते हैं हिस्सा होता है और अंश माने होता है कंधा दूसरा ऑप्शंस करेक्ट गोदान के लेखक कौन है सिंपल क्वेश्चन है तो गोदान के लेखक कौन है मुंशी प्रेमचंद पहला ही ऑप्शन करेक्ट बुंदेली का क्षेत्र बताइए बुंदेली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी झांसी जिला बुंदेलखंड में आता ही है देखो झांसी जालौन ततिया इन सभी में बोली जाएगी दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है जल्दी बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक वाक्य है आराम से बढ़ोगे क्वेश्चंस को आराम से आंसर आ जाएगा यदि वर्षा हुई हुई यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी ये एक संकेतवाचक वाक्य पहला ऑप्शन करेक्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र अठारह सौ छब्बीस ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था दिल्ली मुंबई कलकत्ता या मद्रास तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों ये थे आपके फोर्टी हिंदी के क्वेश्चन बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जैसे जो एग्ज़ाम जो है वो बहुत दूर खिसक गया हो मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ सकता है क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो कभी भी कंफर्म हो सकती है तो आप एग्जाम डेट के भरोसे बैठे हो तो उससे अच्छा है कि आप अभी लगातार अपनी तैयारी पे ध्यान दें तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत